नीतीश कुमार जी, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध, सनातन का विरोध करते करते इस स्तर पर आ गए हैं कि अब पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध करना आपने शुरू कर दिया है। लेकिन जदयू सत्ता का दुरुपयोग कर गुंडागर्दी को उतारू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर उसने मिलर मैदान पे, मिलर स्कूल के मैदान पर कब्जा कर लिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा जो चर्चा काफ़ी भाव खा रही थी, वो ऊंचे भाव में बिकी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे, अमित शाह का इशारा हो गया है। लेकिन जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, उस खबर में बिल्कुल उसके उलट कोई अलग कहानी लिखी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को कर्पूरी जयंती के अवसर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले कर्पूरी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम मनाने का और कार्यक्रम करने का फैसला जनता दल यूनाइटेड ने लिया था और वेटनरी ग्राउंड में इसके लिए उन्होंने जगह भी मुकर्रर कर दिया था। पूरे बिहार भर में घूम घूम करके जनता दल यूनाइटेड के नेता लोगों को तैयार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक कहानी नया मोड़ ले लेती है। एक तरफ जहां कहा यह जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कर्पूरी जयंती को लेकर के रस्साकसी है, तो वहीं इसमें बड़ी एंट्री मार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जयंती मिलर स्कूल ग्राउंड में मनाना चाहती थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसके लिए उसने पहले से बुकिंग कर लिया था, लेकिन अचानक से 23 तारीख को जनता दल यूनाइटेड ने और सरकारी कार्यक्रम को लेकर के उस स्थल को कहीं ना कहीं एक्यूपाई कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति तो बनती हुई नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में क्या ये खटास का शुरुआत है या फिर ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो करके आगे की रणनीति को और ज़्यादा उलझाने के फेर में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हैं। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा है। नीतीश कुमार जी, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध, सनातन का विरोध करते करते इस स्तर पर आ गए हैं कि अब पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध करना आपने शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना कर पिछड़ों के न्याय की बात करने वाले नीतीश जी, आप परम श्रद्धे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए जब कार्यक्रम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 जनवरी को मिलर स्कूल ग्राउंड को बुक करती है, तो आप जानबूझकर वहां कार्यक्रम रखते हैं 23 तारीख को, ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां इकट्ठा कर सकें, और आज से ही आपके कार्यकर्ता वहां कब्जा करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में जो भाव है कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, उनको रोक पाएंगे, बदल पाएंगे? आप हमें कार्यक्रम करने से वंचित कर देंगे? कदाचित भी नहीं, ऐसा संभव नहीं। प्रशासनिक तरीके से आप कितने भी दबाव बना लें, कितने भी तरीके से हमें मजबूर करें, लाचार करें, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके सम्मान श्रद्धा में इस कार्यक्रम को करने के लिए खड़ा हुआ है। आप लाठी चार्ज कराने में माहिर हैं, आप लाठी चार्ज कराइए, आप पानी फिंकवाइए हमारे ऊपर ठंडा, जो करना है करिए, पर हम कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में उस कार्यक्रम को नियत स्थान और नियत जगह पर ही करेंगे, नियत समय पर करेंगे। आप हमें नहीं रोक पाएंगे नीतीश जी, पर याद रखिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आपको किस रूप में याद रखेंगी। पिछड़ों की राजनीति का दम्भ भरने वाले आप जब आईने के सामने खड़े होंगे तो स्वयं को क्या जवाब देंगे? और आपका जो अहंकार है वो एक दिन बिहार की जनता जलाकर राख कर देगी। भाजपा ने मिलर स्कूल में कर्पूरी जयंती 24 तारीख को मनाने के लिए परमिशन ले लिया था और डीएम कार्यालय की ओर से यह परमिशन 11 नवंबर 2023 को, या पत्रक देख सकते हैं, मिल गया था ये परमिशन डीएम कार्यालय से। लेकिन जदयू सत्ता का दुरुपयोग कर गुंडागर्दी को उतारू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर उसने मिलर मैदान पे, मिलर स्कूल के मैदान पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन से मिलने आज भाजपा की डेलीगेशन जा रहा है और किसी भी हाल में भाजपा का प्रोग्राम वहां पर कल होके रहेगा, चाहे जदयू इस पर नीतीश कुमार कितना भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।